ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम थोड़ा मेडिटेशन करेंगे स्वास्थ्य के बारे में, तन और मन का स्वास्थ्य। लेकिन एक बात पहले जानेंगे, हमारे शरीर की रचना यानी हमारे तन की रचना हमारे मन ने ही की है, यानी अवचेतन मन ने हमारे शरीर की रचना की है। अब अगर आप कोई घड़ी बनाएं और घड़ी खराब हो जाए तो घड़ी को सही करना आप जानते हैं, वैसे ही अवचेतन मन इस शरीर को सही करना स्वस्थ करना जानता है, परंतु अवचेतन मन को आपने अब ऑर्डर देना पड़ेगा। जैसा ऑर्डर आप उसे देंगे जाने और अनजाने में, वैसे ही वो आपके शरीर की रचना करता जाता है। जैसे आप श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है, आपको पता भी नहीं होता है कि आपके सांस चल रहे हैं। ध्यान देते हैं तब हाँ सांस चल रहा है। दिल का धड़कना, डाइजेशन होना, पसीना निकलना, रात को सोए हुए हैं फिर भी डाइजेशन हो रहा है, राइट। देखिए आप, ये सब अवचेतन मन का कार्य है, ये चेतन मन का कार्य नहीं है। ये आप पर्पसली नहीं कर रहे हैं, आप डाइजेशन स्वयं नहीं करते हैं, वो होता है नेचुरली। ये सब अवचेतन मन का कार्य है। इसमें डिस्टर्बेंस तब होता है जब हम चेतन मन के द्वारा अवचेतन मन को रॉन्ग मैसेज पास करना शुरू करते हैं। जैसे कि आपको थोड़ा सा दर्द हो गया पेट में, आपने कहना शुरू किया हाय मेरे पेट में कितना दर्द है, हाय मेरे पेट में बहुत दर्द है, कहीं ज़्यादा ना हो जाए, उसको इतना हो गया था, उसको तो फिर ये प्रॉब्लम हो गया था, लीवर पूरा गया था उसको, तो मुझे ना हो जाए। रॉन्ग मैसेज। अवचेतन मन के पास ये रॉन्ग मैसेज जा रहा है। अवचेतन मन क्या करेगा, अब आपके शरीर को वैसा ही बनाने लग जाएगा क्योंकि हमने उसे वही ऑर्डर दे दिया है। बस हम यही गलती करते हैं, ये छोटी सी गलती है लेकिन बहुत बड़ी हो जाती है। आज से अपने अवचेतन मन को हमने सही ऑर्डर ही देना है, ठीक है। अभी मेडिटेशन करेंगे, एक के बाद पावरफुल अफर्मेशंस यूज करेंगे और कमाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब रिलैक्स होकर बैठे हैं। सांसें नॉर्मल और डीप रखें, कांधे ढीले, और धीरे से अपने आप को देखने का अभ्यास करें। इस शरीर के अंदर बैठी मैं एक शक्ति हूं, मैं एक आत्मा हूं, अ पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा मन से सोचने वाले, बुद्धि से विजुअलाइज करने वाले, मन से महसूस करने वाले और बुद्धि से निर्णय लेने वाले, मैं एक शक्ति हूं, मैं आत्मा हूं, अभी मैं आत्मा अपने शरीर को बहुत पावरफुल विचार देने जा रही हूं। विचार करें, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, जैसे ही मैं ये विचार करती हूं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मुझ पॉइंट ऑफ एनर्जी से पावरफुल लाइट निकल के
मेरे ब्रेन में जाने लगती है। ब्रेन के एक सेल में समाते हुए मेरे पूरे शरीर में फैलने लगती है। शरीर के हर एक कण में जा रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, बहुत शक्तिशाली। मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूं, मैं मास्टर रूहानी सर्जन, इस शरीर का मालिक। एक शक्तिशाली मन का मालिक। अपने तन में अगर कोई तकलीफ है उसे साक्षी होकर देखता हूं। और देखें, आपके मन से शक्तिशाली फवारे वहां बरसने लगती हैं। और आपका शरीर निरोग बन रहा है। संपूर्ण स्वस्थ हो रहा है। कहें, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। विजुअलाइज करें, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। बार बार रिपीट करें, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। मैं आरोग्यवान हूं। आरोग्यवान अर्थात जो सर से पांव तक संपूर्ण स्वस्थ है, कोई रोग नहीं, बिल्कुल स्वस्थ, ऐसा विजुअलाइज कर लें। अपने आप को इष्ट देव देवी के रूप में देख लें। जैसे देवताएं आरोग्यवान होते हैं, संपूर्ण स्वस्थ आरोग्यवान। मैं प्रसन्न चित्त हूं, देवताओं की तरह मुस्कुराते हुए, एकदम लाइट। विजुअलाइज करें, स्वयं को देखें, श्री लक्ष्मी नारायण के रूप में। आज से 5000 वर्ष पूर्व हम थे, ऐसे याद करें जैसे कल की बात है। और स्वयं को स्वर्ग में विचरण करता देखें। वहां सभी देवी देवताओं को देखें, सभी की कंचन काया और चेहरे पे तेज। दिव्य स्वर्ण मणित ताज और हीरे रत्नों से जड़ित वस्त्र आभूषण पहने हुए। सर्व के नैनों में रूहानियत,
ये कितनी सुंदर दुनिया है और यह आप कितने स्वस्थ हैं। इसी तरह अपने मन को आप जितना क्लियर पावरफुल विजन दिखाएंगे, आपका मन आपको वैसा बनाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगाएगा। उसके पास नहीं होगी तो वो शिव बाबा से लेगा। तो हमने शिव बाबा की याद में बैठना है और इस तरह के अफर्मेशंस खुद को देने हैं। तो हमेशा जब भी अफर्मेशन देते रहें, देखते रहें शिव बाबा जो हम सबके परम पिता हैं, उनसे प्योरिटी, प्रेम, सुख की वर्षा मेरे ऊपर हो रही है और मैं हील हो रही हूँ। मेरा तन और मन संपूर्ण स्वस्थ है। ओम शांति।